आज हम बनाएंगे भरमा भिंडी की सब्जी। ये देखिए भिंडी हमने धो ली है और प्याज लहसुन हरी मिर्च अदरक इसको छील के धो के पीसेंगे मिक्सी में, फिर बनाएंगे भरमा भिंडी। प्याज डालेंगे और लहसुन और अदरक इसको पीस ले, हरी मिर्च डालेंगे, ये हमने मसाला पीस लिया, थोड़ा डालेंगे गरम मसाला, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, इसको कर लिया मिक्स। ये देखिए भिंडी हमने बीच से चीर दी, ये देखिए इस तरह से, इसके अंदर भरेंगे मसाला। ये हमने सारी भिंडी अंदर से चीर दिया, इसको थोड़ा डालेंगे इसमें आमचूर, खट्टा हो जाएगा तो इसमें लिसलिसापन नहीं रहेगा भिंडी में। हमने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, तेल थोड़ा सा ही डालना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा सा ही, क्योंकि भरमा भिंडी तभी अच्छी भुनेगी, नहीं तो भुनने में नहीं आएगी, मसाला कच्चा रह जाएगा, भिंडी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालना। जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, अब डालेंगे ये भिंडी, इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। ये देखिए अंदर मसाला अच्छे से भरा हुआ है भिंडी, इसको धीरे धीरे फ्राई करेंगे धीमी आँच में, और ज़्यादा इसको हिलाएंगे नहीं अंदर से। और हमारा ये थोड़ा मसाला बच गया था, ये भी इसी में डाल लेंगे, ये भी साथ में बन जाएगा। ये देखिए भिंडी हमारी धीमी धीमी आँच में फ्राई हो रही है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही देखने में, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बना के खाएं। भरमा भिंडी हमारे सब घर को पसंद है, बच्चों को बड़े को सबको अच्छी। ये देखिए हमारी भरमा भिंडी बन करके हो गई तैयार, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है, मैंने चख के देख ली है, बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है। आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बनवाएं। ये छोटी छोटी भिंडी आती है ना अभी, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े बीज नहीं होते, जब बीज बड़े बीज वाली आने लगती वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। ये छोटी छोटी वाली भिंडी है, ये बहुत अच्छी बनती है, इसमें छोटे छोटे बिया हैं। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। ये